दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सभी लोग, आओ आओ, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो सब लोग, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो और बोलो ओ बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम। सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो सब लोग, दादा गुरुजी को प्रणाम करो, प्रभु से श्री बागेश्वर हनुमान जी से प्रार्थना करो प्रणाम करते हुए, जय हो आपकी। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर इस सामूहिक अर्जी के उपाय को करते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही काम सफल, अर्जी स्वीकार हो जाती है। आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए हो, मन ही मन तीन बार प्रश्न को बोलो, रोग में संकट में पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा। ओम 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। मन ही मन प्रणाम करके सिर के ऊपर से मुट्ठी का 7 बार उतारा करना है, दाहिने हाथ का, हाँ, और बालाजी की तरफ छोड़ दो, बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में से 7 बार, इन्हें भी बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ मुट्ठी को छोड़ दो।
दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा स्पर्श करा लो, बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की, भारत हिंदू राष्ट्र की, राजस्थान के इन पागलों की, राजस्थान के इन पागलों की, दिन भर से जो बैठे इन पगलन की, आयोजक समिति की। कहाँ गई टीम पूरी? शक्ति कहाँ है? पूरी टीम कहाँ है भाई? हाँ, इधर आ जाओ। एक बार इन चारों को धन्यवाद दो ताली बजा करके, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन करवाया, हमें बुलवाया। हाँ पहना। अच्छा, हमने धुलाई कैसी करी हुआ आदमी की है? अब बताओ, ऐसे लोगों को छोड़ना चाहिए है? लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी आप बहुत बेइज्जती कर देते हो लोगों की। अब ऐसे लोगों की इज्जत करें कि बेइज्जती? खैर, हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं। और वो तो ठीक है, हनुमान जी की लीला है, ये भी वीर बजरंग बली की लीला है। और अब पुनः बहुत जल्दी हम सीकर 3 या 5 दिन की कथा सुनाने आएंगे। हाँ, हमारे स्वदेश शर्मा जी, शक्ति सिंह जी और यशपाल जी, संदीप जी और पंडित जी, ललित जी, ललित झा जी, शेषराम बाबू, सबको एक बार पुनः पुनः ताली बजाकर सब लोग धन्यवाद दो। इन्होंने मेहनत की, अपने लिए भी बजा लो। तुम ऐसे हो जा। एक एक शेर सुनाए क्या? तो सुनाओ। हंसा करो, हंसाया करो, हंसा करो, हंसाया करो, बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। देखो कितना बड़ा शेर सुना दिया, शेर भी ढेर हो गया। लेकिन राजस्थान के लोग होते बहुत प्यारे, और यहाँ के युवाओं का तो क्या कहना, लगता है राजस्थान का हिंदू जाग रहा है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब लो, अब जो है हमें जाना भी है, फिर सुबह से हमें वहां पहुंचना, भैया दूर से 12 जाना है। कोटा, कोटा जिला है कि 12 जिला है? 12 जिला है ना। आओ, तो हमें वहां जाना है। अब हम अरे खुशीरा जा, जुग जुग जी प्यारे। आओ, ये बच्चा का भभूति दे दी, स्वदेश वहां से भभूति ले आओ, बच्चा को भभूति। हाओ हाओ, दे रहे माता जी, दे रहे भभूति ले लो। वो झाड़ा लगाना था एक बच्चे को, वो कहाँ है? यहाँ की प्रशासन व्यवस्था को भी धन्यवाद, दादा गुरु जी का वो चित्र ले लो, उन्हें बुला दो, बुला दो, फोटो जो चित्र लिए उन्हें बुला दो। खुश रहो, राम साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, अपने अपने मताई बाप की, सीताराम नाम भगवान की, पूरे राजस्थान के पागलों की, सीकर जिला की, सीकर के इस दिव्य दरबार की। अब बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है? पक्का पक्का आ जाओ, वेलकम। हाँ, जय सिया राम। खूब खूब मंगल आशीर्वाद, पूरे राजस्थान का उन्नति होवे, सीकर जिले की भी उन्नति होवे, खाटू वाले बाबा की, हारे के सहारे की।
खुश रहो।